हाँ नेहा बोलो। हाय बेबी, कहाँ पर हो? हरिद्वार में हूँ। तुम्हें उससे क्या? वो मैं ना आज फ्री थी, तो तो तुम अकेले हो तो मैं आ जाऊँ तुमसे मिलने। बोलो। एक मिनट रुको, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा भाई मारियो। अबे रुक जा, ये तो सच है। हेलो नेहा, तुम जल्दी आ जाओ। ओके बाय। विश्व, आज तो तेरी लग गई लॉटरी। यस, मैं जल्दी से घर साफ कर देता हूँ। अरे इस लाइट को भी अभी जाना था, सारा मूड खराब कर दिया। आज कितने दिनों बाद मेरी तकदीर खुलेगी। थैंक यू भगवान। हाय बेबी। हाय नेहा, आओ ना अंदर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज कितने दिनों बाद सिर्फ तुम और मैं। तुम और मैं नहीं, हम कहो। तू कौन है बे? रमेश। बेबी मैं तुम्हें बताने वाली थी, ये रमेश है मेरा बेस्ट फ्रेंड। आदाब। आओ बैठो। आ जा रमेश। तो क्या करते हो रमेश? वो मैकेनिकल इंजीनियर है। ये इंजीनियरिंग क्यों हमेशा लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं? कुछ कहा? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं। कुछ चाहिए क्या? मुझे वॉशरूम जाना है। आगे से लेफ्ट। बेबी आज तुम कितनी क्यूट लग रही हो। थैंक यू। और रमेश कैसा लगा तुम्हें? हाँ वो भी बहुत स्वीट है, मीठा साला। क्या? नहीं वो मैं क्या बोल रहा था कि हम कितने दिनों से नहीं मिले और हमने एक महीने से किस भी नहीं की, तो आज एक किस तो बनती है ना। नॉटी। हसी तो फसी है। मार डालूंगा तुझे। मम्मी मम्मी मुझे छोड़ दो। किसे मार डाला? उस कॉकरोच को, साला मेरे पैर के ऊपर चढ़ रहा था। तेरे पिछवाड़े में घुस जाता तो अच्छा होता। बेबी यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। हाँ बेबी तुम मेरे रूम में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। हाँ हाँ चलो। ये लो। थैंक यू बेबी। हाँ नेहा चल खाते हैं, मैं लाता हूँ ना तुम्हारे लिए दूसरे प्लेट में। नो नीड ब्रदर, नेहा और मैं हमेशा हर एक चीज एक साथ शेयर करके खाते हैं। टेस्टी है। बेबी अपने हाथ से खिलाओ ना। या श्योर। आप रोक के दिखा साले। इनके हाथों से तो पहले मैं ही खाऊंगा और इनको भी अपने हाथों से मैं ही खिलाऊंगा। नहीं नहीं लगता है तेरे बॉयफ्रेंड का पेट खराब है। छी। नेहा मैं क्या सोच रहा था कल हम दोनों पार्टी में। क्या हुआ? विश्व मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या? मैं अभी आई वॉशरूम से। नेहा के पेट में दर्द हो रहा है और ये साला भी हमेशा उसके साथ पड़ा रहता है, कहीं इसने नेहा को प्रेग्नेंट तो। मैं जो सोच रहा हूँ कहीं आप भी वही तो नहीं सोच रहे? कहीं तूने नेहा को प्रेग्नेंट? बिल्कुल सही, नेहा के पीरियड चल रहे होंगे। ओ पीरियड्स, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, बच गया। एक सेकेंड, तुझे कैसे पता उसके पीरियड चल रहे हैं? अरे नेहा नेहा ठीक तो हो? हट। नेहा का फोन। नेहा अपने फोन का पासवर्ड बताना। मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ। मैंने कहा था ना नेहा और मैं एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। बेस्ट फ्रेंड बनकर फ्रेंड्स विद बेनिफिट चाहिए तुम्हें बस। तुम जैसों की वजह से हम जैसे आशिकों की कोई इज्जत नहीं करता, सिर्फ तुम जैसों की वजह से। आज तेरे सर पे नहीं तेरी गाड़ पे गोली मारूंगा। क्या सोच रहे हो? अरे मेरे बैग के पीछे की चेन से मेडिसिन देना।
हाँ अभी देता हूँ। अरे नेहा बेब्स, मुझे पता है कहाँ रखा है। इस साले को तो अब बताना ही पड़ेगा। बेबी अब तुम ठीक हो ना? हाँ, फीलिंग बेटर ना। हेलो साले, तुझे शर्म नहीं आई दूसरों की बहनों को छेड़ते हुए? अबे कौन बोल रहा है बे तू? तू मुझे जानता नहीं है, तेरा किस बाप से पाला पड़ा है? यूं चुटकी बजाकर तुझे जेल के अंदर करवा सकता हूँ, समझा? ये कोई ऐसी वैसी हरकतें तो नहीं करता? नो वे बिशो, ही इज वेरी जेंटलमैन पर्सनालिटी। फोन रख सुअर की औलाद, दोबारा अगर मुझे फोन करने की कोशिश, भाग तेरी मां का नाका साले। ही इज वेरी जेंटलमैन पर्सनालिटी। मुझे तो लगता है इसका किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, देखो कैसी गंदी गंदी गालियां बक रहा है उसको। हाँ मुझे भी अब उस पर शक होने लगा है। रमेश फोन स्पीकर पे डाल। अरे छोड़ना नेहा, तू मेरी बात सुनेगा या नहीं? मेरी बहन अब कहाँ मुंह दिखाएगी? तुझे शर्म नहीं है ये सब कुकर्म करते हुए? वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और तू उसे छोड़ना चाहता है? रमेश मैं क्या सुन रही हूँ? हे राम, ये आदमी है, ये कसाई है। अरे नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तुझे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी और तूने उस लड़की के साथ। नेहा तुम मत रो, रमेश तुझे मैं कितना अच्छा इंसान समझता था और तू कमीने वासना का पुजारी निकला। निकल जा मेरे घर से, निकल जा यहाँ से। अरे नेहा मेरी बात तो सुन। ऐसे नहीं मानेगा ना? यस। अरे नेहा तू मुझे गलत समझ रही है। चुप कर, मुझे कुछ नहीं सुनना। जा उस लड़के से माफी मांग और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। अरे पर नेहा रो मत, तुम रूम में बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। इस साले को तो अब बताना ही पड़ेगा। हेलो यार, इस नेहा के बेस्ट फ्रेंड ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। आज इतने दिनों बाद नेहा मुझसे मिलने आई है, लेकिन उसका चिपकू बेस्ट फ्रेंड भी उसके साथ आ गया। और साला जब से आया नेहा को एक मिनट के लिए भी खाली नहीं छोड़ता। मैंने थोड़ी सी भी बात नहीं की नेहा से, तेरी कसम मेरा जीना हराम कर दिया। तू टेंशन मत ले, मुझे उस बंदे का नंबर सेंड कर बस। क्यों बे खजूर, मजा आया? बहुत। आई लव यू भाई। चल मजे कर, अब शुरू होगा